हाय फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ महीने के बाद मैं अभी ये नया वीडियो डाल रहा हूँ तो बहुत से ई मेल्स और रिव्यू देखने के बाद एक कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे किसी ने और वो एक टिपिकल रीजन से ज़्यादा सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ पे कोल्ड एरिया है ये नॉर्मली हिमाचल प्रदेश मतलब जो नॉर्थ पार्ट है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा कम होता है और हेवी रेनफॉल रहता है नॉर्मली मतलब ऑल सीजन में बारिश चालू रहती है तो बहुत से लोग वो साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हाइड्रोफोनिक फ्रॉडर फोडर ग्रो करने में स्प्राउट फोडर ग्रो करने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है उनमें ग्रोथ सही से नहीं आ रहा है तो उनका ये सवाल था कि लो टेम्परेचर में और हाई ह्यूमिडिटी एरिया में हम लोग ये फोडर ग्रो कर रहे हो रहा नहीं है तो उसका कुछ हमको कुछ हेल्प करिए कि ये कैसा ग्रो करना है तो आज का वीडियो हम लोग उसके ऊपर बना रहे हैं तो जो लोग आ, कम टेम्परेचर एरिया में रहते हैं जहाँ पे हाई यूमिडिटी हाँ रहते हाई यूमिडिटी है वहाँ पे ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा आज का डेटा तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ देखिए जो मेज फ़ॉर्डर बोलते हैं ना स्प्राउट फ़ॉर्डर जो मक्का बोलते हैं उसका अगर आपको फाउडर ग्रो करना है तो आपको रूम के अंदर टेम्परेचर बेसिकली रखना है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी टू थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस मतलब अगर उसका आइडियल टेम्परेचर अगर आप निकालेंगे तो वो थर्टी थर्टी टू डिग्री सेल्सियस आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है अभी होता क्या है जो लो टेम्परेचर एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर नीचे जाता है बीस पंद्रह दस तो अगर ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा तो ये फोटो ग्रो करने में तकलीफ होता है तो एकदम सिंपल बात है जो रूम के अंदर आप या फिर कोई हाउसिंग के अंदर अगर आप ये फोटो ग्रो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है रूम के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो यू हैव टू यूज सम हीट सोर्स कुछ ऐसा करो कि जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तीन चार ऑप्शन से एक तो रूम हीटर्स होते हैं पर वो रूम हीटर्स अगर बहुत छोटे स्मॉल स्केल में कर रहे तो वो चलेगा पर दूसरा इशू इसमें यह है कि इसका बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि वन थाउजेंड वैट टू थाउजेंड वैट का हीटर्स आपको रन करना पड़ेगा तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो जो बल्बस रहते ना 100 वैट के 200 हंड्रेड के जो येलो कलर के बल्ब्स जो पहले यूज़ करते थे तो वो बल्ब्स आप यूज़ करके वो रूम के अंदर आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो थोड़ा नॉर्मली टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा कब होता है शाम के बाद तो ऐसे टाइम पे आपको ये बल्ब कम से कम आठ नौ घंटा दस घंटा शाम के टाइम चालू करना है सुबह तक तो आपके रूम के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा बेसिकली आपको जहाँ पे आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास ये बेसिकली ये होना चाहिए ये टेम्परेचर गेज एन हाइग्रोमीटर टू इन वन इसके अंदर तो आपको टेम्परेचर भी दिखाएंगे ऊपर और नीचे ह्यूमिडिटी भी दिखाएगा तो जो जो लोग को ये प्रैक्टिस करें इनके पास तो ये होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके लोकेशन में टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है तो अगर इसमें टेम्परेचर अगर आपको दिखा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता चलेगा कि आपको टेम्परेचर कम करना है अभी इसमें अगर टेम्परेचर दिखाएगा 15 डिग्री सेल्सियस तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना है सिंपल है तो अगर जो लो टेम्परेचर एरिया में काम कर रहे हैं हाइड्रोफोनिक्स के ऊपर तो उनको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उनको बेसिकली जो मैंने बताया आपको एक तो रूम हीटर यूज़ करना पड़ेगा या तो फिर दूसरा चीज़ है बल्बस यूज़ करना है अगर थोड़ा बड़ा स्केल में कर रहे हैं कोई 200 हंड्रेड के जी फोर हंड्रेड के जी का यूनिट बना रहे तो उन लोग को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप हेलोजेंस यूज़ करिए बड़े जो 200 सौ के 500 सौ के रहते हैं उससे अच्छा हीट बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और दूसरा भी एक सोर्स है जिसमें अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड ही नहीं करना है नेचुरल मेथड अगर यूज करना है तो हम लोग लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो कोल रहता है कोलसा बोलते हैं उसको तो वो एक बाहर जला के उसका थोड़ा एक बार वो सही से जलना चालू हो गया तो वो जो कोल है कोई आ, यूटेंसिल में लेके उसको अंदर रूम के अंदर रखेंगे तो वो रूम के अंदर टेम्परेचर उससे अच्छा खासा बढ़ जाता है तो इस तरीके से आप रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो ये तीन चार मेथड है जिससे आप रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ा सकते हो दूसरी बात है कि वो रीजन में और क्या इश्यूज आते हैं ह्यूमिडिटी इज़ इज़ बिग इशू is, is वहाँ पे हमेशा मतलब एक महीने में कभी कभी दस uh, पंद्रह दिन के बाद या एक महीने के आसपास ऐसा बारिश चालू रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है हाई ह्यूमिडिटी हो जाता है तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेज़ फ़ॉर्डर अगर आपको ग्रो करना है हाइड्रोफोनिक मेथड से तो आपको ह्यूमिडिटी नॉर्मली फिफ्टी परसेंट टू एटी नाइन्टी परसेंट के आसपास मेंटेन करना है अगर वो नाइन्टी फाइव तक गए तो भी मेज़ फाउडर में इतना इशू आता नहीं है पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर रूम के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ते जा रहा है तो आपको रूम के अंदर का जो एयर है उसको वेंटिलेशन करना बहुत जरूरी है दूसरी बात अंदर कुछ फैंस भी इनसे ऐसे होने चाहिए जिससे आपका एयर सर्कुलेशन हो सकता है तो अगर आप रूम के अंदर एयर वेंटिलेशन सही से मेंटेन करेंगे और एयर सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे तो ह्यूमिडिटी अच्छी खासी कम हो जाएगी आइडियल ह्यूमिडिटी आपका नॉर्मली 70 75 फाइव के आसपास अगर आप रखेंगे अगर आपको मेज़ का स्प्राउट फाउडर ग्रो करना है तो, तो दैट विल बी वेरी गुड कंडीशन तो इस तरीके से जो आपका लोकेशन है इसमें आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हो तो होप मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लो टेम्परेचर वाले एरिया में है उनको अगर ये हाइड्रोफोनिक फोडक ग्रो करना है तो उनको टेम्परेचर पे फोकस करना है और ह्यूमिडिटी पे फोकस करना है होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यूजफुल लगा होगा अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो ये इसको लाइक करिए शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो में फिर वापिस एक नए टॉपिक के साथ आएगी तब तक के लिए बाय